आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में गढ़वाल इंडस्ट्री सभा के। जैसा आपको मालूम है, शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और इसका शुभारंभ कार्यक्रम अब 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा गढ़वाल भवन में इसी परिसर में और सायकाल 8:30 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वर्तमान कार्यकारिणी ने प्रयास किया है कि हम अपने अतीत को छूने का प्रयास किया है, जिसमें एक सौभाग्य और सम्मान 2023 और इसमें लगभग 45 जोड़े हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। ये सम्मान उन माननीय सदस्यों को दिया जाएगा जिनके वैवाहिक जीवन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसके पीछे वर्तमान कार्यकारिणी गढ़वाल इंडस्ट्री सभा का मानना यह है कि परिवार के हिस्से का बहुत बड़ा धन समय और श्रम जो पुरुष समाज सेवा में समाज के साथ साझा करते हैं, तो उससे जो रिक्तता आती है परिवार में, उसको परिवार की जो उनकी अर्धांगिनी है सहभागिनी है वो उसको इक्विलिब्रियम बिठाने की कोशिश करती है। खामोशी से पूरे जीवन पर्यंत वो अपने सुखों का और उसका त्याग करती हैं, तो उन्हीं को नमन करने के उद्देश्य से गढ़वाल हितैषी सभा अपने शताब्दी वर्ष में सौभाग्य के सम्मान से उन्हें नमन करना चाहती है। तो 45 इसमें हमारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 50 वर्ष से ज्यादा जिनके वैवाहिक जीवन खो गया है। दूसरा, इसमें अपने वरिष्ठ अग्रजों का आशीर्वाद लेने का एक परंपरा एक यहाँ पर चलन है हमारे गढ़वाली दर्शन सभा में, जिसमें सिद्धेश सुमन वरिष्ठ नागरिक सम्मान 2023 के 52 सदस्य जो हमारे आजीवन सदस्य हैं वो इसमें आते हैं। ये वो सम्मान है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन सदस्यों को दिया जाता है जिनकी आजीवन सदस्य को दिया जाता है जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। तो इस उसमें सम्मान के लिए हमारे पास 52 सदस्य पंजीकृत हो पाए और ये वो सदस्य हैं जिन्होंने अपने जीवन के कम से कम 65 वर्ष तो सभा के लिए लगाए हैं, तो उनको भी शताब्दी वर्ष में गढ़वाल हितैषी सभा नमन करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक प्रयास गढ़वाल हितैषी सभा ने और किया है कि उत्तराखंडी पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता भी रखी है, वो व्यंजन मेला भी होगा और उस मेले में 10 अलग अलग ब्रांड्स ने स्टॉल लगाए हैं, उनका वो अपना उत्तराखंडी भोजन यहाँ पर बेचेंगे भी, लोग उसका स्वाद ले पाएंगे जो भी यहाँ पर आगंतुक होंगे। साथ में उसमें एक प्रतियोगिता है जिसका भोजन सर्वोत्तम होगा वो प्रथम द्वितीय और तृतीय और बाकी सभी प्रतिभागियों 7 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिया प्रतिभाग करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि हम उत्तराखंड के समग्र संस्कृति को के दिव्य दर्शन लोगों को तक करा सके, उसी में एक हमारा पारंपरिक भोजन भी आता है। जैसे कि आप जानते ही हैं ये मिलेट ईयर है और आपको पता ही है उत्तराखंड के भोजन में मिलेट्स का जो समावेश है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो हम भारत सरकार के मिलेट योजना का समर्थन कर रहे हैं, इस उद्देश्य से भी ये उत्तराखंडी पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई है। उत्तराखंडी पारंपरिक परिधान एवं आभूषण प्रतियोगिता भी इसमें रखी गई है, जिसमें कि 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है मिस्टर उत्तराखंड, दूसरी कैटेगरी है मिस उत्तराखंड और तीसरी कैटेगरी है बांध उत्तराखंड। मिस्टर और मिस उत्तराखंड के लिए 18 से 30 वर्ष आयु के बालक बालिकाएं या महिलाएं उसमें प्रतिभाग कर सकती है और 30 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं वो बांध उत्तराखंड में प्रतिभाग करेंगी। इनमें विजेता उप विजेता 2 होंगे, तो कुल 6 लोग इसमें चुने जाएंगे तीनों कैटेगरी में और उनको मिला के एक उनके लिए एक टूर पैकेज दिया है गढ़वाली तहसील सभा ने कि 2 दिन 2 रात 3 दिन वो स्टे करेंगे टेहरी झील में
और उसको स्पॉन्सर हमारे साथ हैं वहाँ पर कुलदीप कुमार जी, जिनका वहाँ पर रिसोर्ट है लेक व्यू रिसोर्ट, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। तो जो विजेता है उनको 2 रात 3 दिन का एक लेक व्यू रिसोर्ट में रहेगा भी वो पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से, शिवदत्त पंत जी हैं, कौशल पांडे जी हैं, मनोज आर्य हैं, और आर्टिस्ट का है यहाँ पर पूरा गढ़वाल कुमाऊं चौसा के सभी क्षेत्र के ओम बदानी जी, ऐसे कलाकारों का समावेश किया गया है ताकि वो सभी जगह अपने हमारे जो 3 मुख्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के लोकगीत आप सब तक के लिए पहुँचाएंगे। और इसमें इसके संगीतकार हैं राजेंद्र चौहान जी, और इसकी नृत्य निर्देशिका हैं लक्ष्मी राव पटेल जी। और एक छोटा सा स्किट जो हमारा अभी गीत निकला है जिसे आदरणीय गणरत्न नंद सिंह नेगी जी ने शताब्दी वर्ष गीत जो संगीतबद्ध किया है और स्वरबद्ध किया है और लेखन भी उन्हीं का है, बधाई हो बधाई सताई हो गई, इस पर एक छोटा सा स्क्रिप्ट कर रहे हैं डॉक्टर कालेश्वरी जी, और उसको निर्देशित कर रही हैं लक्ष्मी राव पटेल और डॉक्टर कालेश्वरी संयुक्त रूप से। इसके साथ ही एक चित्र प्रदर्शनी का भी हमने आयोजन किया है जो 100 साल का जो सफरनामा है गढ़वाली तहसील सभा का, तो उसके जो भी कार्य के चित्र हमारे पास उपलब्ध हैं जहाँ से भी उपलब्ध हो पाए उन सबकी चित्र प्रदर्शनी लोगों के जो अतिथि हमारे आएंगे यहाँ पर आएंगे समाज के लिए वो लगाई जाएगी। उस चित्र प्रदर्शनी के भी 3 भाग हैं, एक भाग गढ़वाली तहसील सभा के 100 साल का सफर, दूसरा भाग उत्तराखंड के हीरोज, और तीसरा भाग उत्तराखंड के फोक ड्रेसेस फोक डांसेस और उत्तराखंड के पर्यटन स्थल धार्मिक स्थल। इस तरह से इसको 3-4 खंडों में चित्र प्रदर्शनी होगी, और इसके लिए मैं सुनील नेगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये आइडिया 6-7 महीने पहले दिया था कि हमें एक चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करनी थी, तो उसी को जमीन पर उतारने की कोशिश वर्तमान कार्यकारिणी ने की है। और उत्तराखंड एक जो कार्यक्रम चलेगा इसमें गढ़वाली कविता का भी थोड़ा समावेश किया है कि जब हमारा ये समाज के पुरस्कार चल रहा होगा जो सुबह 11 बजे शुरू होना है, उसमें जो कविता पाठ का भी थोड़ा सा गढ़वाली कविता पाठ का भी होना है। और हमारे मुख्य अतिथियों में यहाँ पर आने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, और हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, और उत्तराखंड के बहुत सारे विधायक किशोर उपाध्याय जी पूरा दिन यहाँ रहने वाले हैं, और हरीश रावत जी इसमें भी आने वाले थे लेकिन जैसा आप लोगों को पता है अभी हाल में उनकी थोड़ी सी एक दुर्घटना में वो अस्पताल को भर्ती किया गया है तो उनका आना संभव नहीं हुआ, लेकिन हरिपाल रावत जी उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेंगे। आप हरीश रावत जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में आए, ऐसा गढ़वाली की सभा कामना करती है। बाकी आप और हम लोग तो होंगे, मेरा ये आह्वान है कि ये उत्तराखंड के समग्र संस्कृति के यहाँ पर दर्शन उस दिन होने वाले हैं, और एक बहुत ही सुंदर ये संदेश गढ़वाल तहसील सभा चाहती है कि हमारी संस्कृति चाहे वो भोजन है वस्त्र है या आभूषण है या गीत लोक संगीत लोक नृत्य है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जगह मिले पहचान मिले, यही इस शुभारंभ कार्यक्रम का बुनियादी वाक्य है। और धन्यवाद नेगी जी का एक गीत है जो उन्होंने गढ़वाल तहसील सभा के शताब्दी वर्ष के लिए लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें नेट का इशू हुआ थोड़ा बहुत, बहुत सुंदर गीत नेगी जी ने मीठा सा गीत लिखा है और गाया भी उन्होंने संगीतबद्ध किया है। हाँ आर्टिस्ट हमारे इसमें जो आर्टिस्ट शामिल होने वाले जो गीत गायक क्या शामिल होने वाले तरफ से उसमें कल्पना चौहान जी हैं, उषा पांडे जी हैं, कुसुम बिस्ट जगवाल वाली जो फ्रेंड हैं, और संतोष शर्मा बडोनी, गजेंद्र सिंह
मुकेश कठैर जी उनका नाम है, सिद्धेंद्र सिंह, सिद्धर पंत जी हैं, मनोज कुमार आर्या जी हैं, ओम प्रकाश गदानी जी हैं, राकेश गुसाई हैं, कौशल पांडे हैं, लक्ष्य पटेल नृत्य निर्देशिका हैं, और ये संकल्प खेतवाल तो उसमें आने वाले हैं 25 तारीख का दिन। हाँ तो ये 13 अक्टूबर संकल्प खेतवाल 25 नवंबर को आने वाले। हाँ जी ये गीत आप लोगों के लिए शर्ट गढ़वाली फैशन सभा निकाला है, उसका भी लॉन्च कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको परिचय करा दूं कि आज की इस प्रेस वार्ता को जो होस्ट कर रहे हैं हमारे महासचिव मंगल सिंह नेगी जी और हमारी सांस्कृतिक सचिव शैलता ध्यानी जी और हमारे कोषाध्यक्ष अनिल गुलाब सिंह जाना जी और हमारे उप कोषाध्यक्ष अनिल भट्ट जी और मैं स्वयं हमारे साथ में हमारे कार्यकारी सदस्य आजाद भाई आजाद सिंह नेगी जी और कार्यकारी सदस्य भाई जोर सिंह बैठारी जी। तो मैं आजाद भाई और आप ही आ जाएंगे आगे एक ही टी शर्ट आप ही पकड़े ठीक। हाँ ठीक के सदस्य इधर आ जाए, लाइट से खोलिएगा थोड़ा, हाँ कम लाइट ये वाली खोलिएगा, ये सुंदर पर सुभाष का फ्रंट में है, ये हमारे युवा जो वहाँ पर वॉलंटियर्स में गढ़वा लेते हैं सभा के उनको ये शर्ट पहने हुए और इसका लाइट बंद कर देंगे एक बार, पीछे वाली लाइट बंद कर देगा सर चेहरा ढक रहा आपका। अच्छा अच्छा चेहरा चेहरा मैं ढके हैं ना, थैंक यू, चेहरा जरूरी है। हाँ बैग भी दिखा दे ठीक है। ये देखिए इतना सुंदर लोगो, ये जो डिजाइन किया है हमारे महासचिव मंगल सिंह नेगी जी ने डिजाइन किया है। वैसे ये जो सुभकर शताब्दी वर्ष का जो बना था तो इसके लिए पूरे समाज से डिजाइन मांगे गए थे, बहुत सारे डिजाइन आए, 3 डिजाइन उन्होंने चूज किए
और वो तीन डिजाइनर को मिश्रित करके और फिर कुछ अपना इनपुट डाल के फिर ये लोगों ने तैयार किया। ये लोगों मैं आपको बता दूं, सुभाष्कर जो है ये हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है जो कि गढ़वाल स्थित सभा के छत्र छाया में विगत 100 वर्षों से पनप रही है। ये लोगों का हमारा टीम है कि जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना है जिसे गढ़वाल स्थित सभा विगत 100 सालों से उस अपने अम्ब्रेला के नीचे बन पा रही है उसी का ये प्रतिबिंबित करता है ये चुनकर हमारा। इसमें हमारी धार्मिक चेतना के केदारनाथ जी दरिंदा जी इसमें हैं, राष्ट्रीय चेतना के हमारे राष्ट्रीय पशु जो यहाँ पर हैं वो दिख रहे हैं, और ये जो अपना अपने रंग है ये हमारी आध्यात्मिक चेतना है और जो हमारा उत्तराखंड का सांस्कृतिक विरासत है जो रण है वो दिखाया गया है और अम्ब्रेला है ऊपर जो करवा लेते हैं सभा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे वाह राजू भाई की जय हो। टी-शर्ट तो पहन के फोटो खिंचवानी चाहिए। चलो कोई नहीं, कुछ और जानकारी हो तो कोई प्रश्न आपका हो तो ले सकते हैं उसे। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आने का प्रकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे जो फिनाले कार्यक्रम है 25 नवंबर को जो तालकटोरा में है उसमें आने का उनका निश्चित हुआ है। ये शुभारंभ कार्यक्रम है उनका, इसमें अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हरीश रावत जी भी इसमें आने वाले थे लेकिन अभी दुर्घटना की वजह से संभव तो नहीं आ पाएंगे। कल जैसे कि अनुपाल रावत जी से बात हुई, बाकी मीनाक्षी लेखी जी जो यहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। जी जी 29 अक्टूबर का सर क्या टाइमिंग रहेगी का? अभी तक अजय भट्ट जी का सुबह 11 बजे शुभारंभ कार्यक्रम में आ रहे हैं, तीरथ सिंह रावत जी भी उसी समय यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे जो सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद पौड़ी और अंकेश गिल्डिया जी 12:30 बजे करीब जो पीएमओ में आईएएस है वो आएंगे और 4 बजे केजरीवाल जी का समय है आने का शाम को और 5 से 6 बजे में आशीष लेके लिए आएंगे। सर एक बात बताइए, गढ़वाल हितैषणी सभा अब अगले शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगी तो गढ़वाल हितैषणी सभा ने जो देश हित में कार्य किए हों वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो अनुदान देने से लेकर के और देश में अन्य त्रासदियों में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है तो क्या आने वाली पीढ़ियां उस विरासत क्या की परंपरा का वाहक बनेंगी? बिल्कुल, गढ़वाल हितैषणी सभा अभी प्रयासरत है, जैसे अभी हमारा एक डॉक्यूमेंट्री बन रहा है जो 100 साल के सफर पर वो भी 25 तारीख को आज इसको 29 को उद्घाटन होना था लेकिन कुछ तथ्य उसमें रह गए थे जो और जोड़ने हैं वो 25 नवंबर को उसका वहां पर विमोचन होगा डॉक्यूमेंट्री का। तो डॉक्यूमेंट्री पूरा ये दस्तावेज इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उसको देखकर पढ़कर समझकर इस जो सामाजिक दायित्व है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रयासरत है हमारी वर्तमान कार्यकारिणी कि शीघ्र ही इसमें सदस्यता खोली जाएगी और युवा वर्ग को इसमें प्रमुखता से जोड़ा जाएगा। सर कितना मुश्किल रहा 1923 से और अब तक के सफर को जो है उनके चलचित्रों को इकट्ठा करना और सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करना, कितनी चुनौतीपूर्ण रहा आपको और कितना आप सफल रहे उसमें कि कितना दस्तावेज आपको मिल पाया अभी तक? हाँ ये आप अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग जॉब था क्योंकि 1923 का डॉक्यूमेंटेशन मिलना बहुत मुश्किल सी बात है। 1941 में हमारी ये संस्था रजिस्टर हुई थी, पंजीकृत हुई थी दिल्ली में गढ़वाल हितैषणी सभा, तो वहां से एक दिमाग में आया कि 1941 में अगर ये रजिस्टर हुई तो दिल्ली सरकार के जो रजिस्ट्रेशन विभाग है वहां कुछ ना कुछ इसका होगा। तो फिर उसमें हमारे लोगों ने प्रयास किया, आदरणीय जियाड़ा जी और हम स्वयं वहां दिल्ली सरकार के कार्यालय में गए और वहां पर छाना पूरे रिकॉर्ड्स को, तो 1941 का फाइल हमें मिला। उसमें हमें वो सारे कार्यकारिणी का जो उस टाइम का
मेमोरेंडम बना और उस कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी थे, जो सदस्य गण थे, उन सबके नाम वो सब हम लोग को मिले और उस टाइप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिला वो तो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बाकायदा दर्ज है स्थापित 1923, पंजीकृत 1941, यानी कि सभा एक ऑथेंटिकेटेड बात हो गई कि ये 1923 में प्रारंभ हुई थी, सरकार का दस्तावेज भी कहता है। पर हाँ, ये काफी चैलेंजिंग था, वो कागज भी बड़ा भुरभुरा हो गया था, सरकार के जो विभाग वाले वो भी जरा झिझक रहे थे इन सब चीजों के लिए, लेकिन स्कैन करा उसको मिल गया हमें। और साथ ही जो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध रिकॉर्ड है, इसमें हमारे लगातार प्रशासनिक अधिकारी जी डॉक्टर केदार सिंह मालवीय राणा जी लगातार उसमें काम कर रहे हैं, आजाद भाई आजाद सिंह जी, जोशी भंडारी जी, ये सब लोग लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी चीजें खंगाली हैं। मैं दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि गढ़वाल हितैषी सभा को 1953-54 के दौर में गढ़वाल राइफल के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, महाराजा मानवेंद्र शाह जी ने बड़ा सपोर्ट किया और वो सब दस्तावेज हमें उपलब्ध हो पाए, उनको हम सब डिजिटल करके डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पूरा इतिहास उसमें लिखा जा रहा है जिसको डॉक्टर केदार सिंह और महावीर राणा जी लिख रहे हैं, वो हमारी स्मारिका का हिस्सा होगा। स्मारिका में कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने कि जो लोग उसको एक रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये जो सूत्र है हमें सीएम को अपने साथ में दिया था कि स्मारिका छपे तो वो एक रेफरेंस बुक की तरह लोग अपने पास रखें। तो ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी मेहनत तो इसमें लग रही है, लेकिन हमारी जो प्रतिबद्ध टीम है, लोगों की प्रतिबद्धता है उसके लिए, तो कर रहे हैं, उस पर पूर्ण कर पा रहे हैं। छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूँ कि राजनीतिक अतिथियों के अलावा क्या आपने सामाजिक क्षेत्र से भी कुछ इस तरह के लोगों को बुलाया है? उदाहरण के तौर पर इस तरह की चंडीगढ़ की गढ़वाल सभा, जयपुर की गढ़वाल सभा या गुड़गांव जो भी गढ़वाल सभाएं जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, क्या आपने पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किए हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हमारे इस कार्यक्रम में राजनीतिक जो अतिथि हैं वो ज्यादा कमोबेश उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग ही हैं, बहुत ज्यादा, या गढ़वाल हितैषी सभा के जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो ये क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा राजनीतिक घालमेल नहीं है हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको हमने इसमें जोड़ने का प्रयास किया। जो संस्थाओं का जयपुर की संस्था है, देहरादून की, मेरठ की है, ये सारे लोग 25 नवंबर को आने वाले हैं। इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारी गढ़वाल हितैषी सभा के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सौभाग्यवती सम्मान में जो 70-80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं या 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, उनका प्रबुद्धता बहुलता से उनका यहाँ पर आवागमन रहेगा और उन्हीं के इर्द गिर्द ये कार्यक्रम घूमेगा। इसका खास उद्देश्य ये भी है कि हम अपना ये 100 साल का सफरनामा उन लोगों तक पहुँचाए जो दर्शक यहाँ पे आने वाले हैं। चार हजार तीन सौ पैंसठ के करीब की संख्या है, लेकिन उसमें काफी टाइम से वो अपडेट नहीं हुआ, बहुत सारे सदस्य उसमें से दिवंगत हो गए, तो इसीलिए ये रजिस्ट्री अभी हमारा जो मेंबरशिप खोलने का विचार था वो थोड़ा सा लिंगर ऑन हो गया, तो उसको जनवरी फरवरी में हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपडेट करके उसको आगे बढ़ा जाए। क्या एग्जैक्ट पोजिशन क्या है आज जो हमारे जीवित सदस्य? सर, भारतीय सेना में उत्तराखंड के लोगों का बहुत योगदान रहा है, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया? भारतीय सेना का हमारा प्रयास है कि 25 नवंबर के उसमें वो लोग शिरकत करें इसमें, और वैसे हमारी टीम में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी हमारे जूरी मेंबर भी हैं यहाँ पर, जो कि एक हमारा सम्मान हमने स्थापित किया है जिसमें कि उत्तराखंड के विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। 5 विधाएं हम लोगों ने ली हैं, वो 25 तारीख के कार्यक्रम का वो प्रारूप है। बाकी मुख्यतः उसमें कोशिश कर रहे हैं कि 25 तारीख, जैसे इसमें हमारे अभी आप चित्र प्रदर्शनी भी देखेंगे, सीनियर विवेक राव साहब से लेकर सभी लोगों का उसमें ये रहेगा। मेरा एक सुझाव भी है, मतलब वैसे तो हम आपके बीच के ही लोग हैं सारे, तो कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात तो है नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था और बोलना सुझाव भी दे रहा था कि जैसे बचेंद्र पाल है जो हमारी स्टॉलवर्ट है, चंद्र प्रसाद भट्ट है एनवायरमेंटलिस्ट हैं, या बॉलीवुड में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जमीन से उठ के आज बड़ा नाम कमाया उन्होंने, पहाड़ के हैं,
बैकग्राउंड के, जैसे अपना नौटियाल जी हैं और अपना बिजेंद्र काला, इस टाइप के लोग हैं, तो आप उनको गेस्ट के रूप में बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं भी बुलाएं तो उनको इन्विटेशन भेज करके संपर्क साध करके कोशिश ये रहे कि उनसे ये कहा जाए कि भाई आप 100 साल पहाड़ के हो रहे हैं और आप तो अपने उत्तराखंड और गढ़वाल से ही हैं, तो आप शिरकत करें तो सबको अच्छा लगेगा और समाज की ये मांग भी है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन एक कदम रहेगा, जैसे बछेंद्र पाल हुए, चंद्र प्रसाद भट्ट जी हुए, बॉलीवुड में जो हमारे स्टार्स हैं वो हुए, या और क्षेत्रों में जैसे ये एक सर्विस मैन है जो बड़ी बड़ी वॉर्स में रहे, अगर उनको छांट लें हम कुछ, तो इन लोगों को हम बुलाएं, क्योंकि हम जब तक बुलाएंगे नहीं तो वही महसूस करते हैं कि यार उन्होंने हमें बुलाया तो है नहीं, तो हम क्यों जाएं, या हम जाएं तो कॉमनर्स में रहेंगे कोई हमें पहचानेगा भी नहीं। तो अगर हम छांट लें एक ऐसी 20-25 लोगों की टीम आप बना दें, मतलब स्क्रीनिंग लिस्ट बना दें, उनको इन्वाइट करें, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मुख्य अतिथि होकर ही आएँ, ऐसे पार्टिसिपेंट भी आ सकते हैं, वहाँ सम्मान उनको दिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर अगर काम करें अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, तो चूंकि एक 100 साल का प्रोग्राम है और पहली बार हो रहा है और आखिरी बार ही होगा, फिर अगले 100 साल में होगा या 25 साल में होगा 30 साल में होगा, तो ये मौके बार बार आते नहीं, ऐतिहासिक क्षण होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, मेरा ये सुझाव है। बहुत अच्छा सुझाव आपका, और सभा इस दिशा में कार्यरत है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को जो सम्मान मिलने वाले हैं खेल के क्षेत्र में, उस सम्मान का नाम ही बछेंद्र पाल खेल सम्मान 2023 और बछेंद्र पाल जी से बात हुआ, वेरी गुड, उनको आने के लिए था, हम चाहते थे कि उनके हाथों से ही उस महान विभूति को सम्मान दिया जाए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम खेल जगत में शुरू किया है, लेकिन उनका उस दौरान कोई एक्सपेडिशन है कुमाऊं में, तो शायद उनका वीडियो हमें मिल जाएगा, शुभकामना वो आने वाले। ऐसे विश्व मोहन बड़ोला जी के नाम से एक सम्मान स्थापित किया गया कला और संस्कृति के क्षेत्र में, तो प्रयास किया है गढ़वाली पैसे सभा ने कि विभिन्न पहलुओं को छुआ जाए। जुबिन नौटियाल जी से आने की बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं है, बाकी जैसे अभी आपने चंडी प्रसाद भट्ट जी तो खुद सम्मानित होने वाले एक लिस्ट में उनका नाम है, जो पर्यावरण के लिए लोग काम कर रहे हैं, उस पर्यावरण की विधा में भी एक हमने सम्मान स्थापित किया है, तो उसमें चंडी प्रसाद जी एक पार्टिसिपेट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनका अब हमारी जूरी क्या तय करती है वो बात की बात है।